यहाँ पे वार्ड बोला कि नहीं शिकोदानी यहाँ पे क्वार्ट सेवन ही से और फोर सबसे नीचे डिनोमिनेटर में तो पहले पढ़ लेना अच्छे से इसमें और इसमें फर्क है याद रखना ये फोर एंगल का पार्ट है क्वार्ट है ना वो फोर एंगल ये क्वार्टिक्स हो गया क्या हो गया क्वार्टिक्स क्योंकि फोर सबके नीचे नहीं है वहाँ पे यहाँ पे लेकिन ये क्वार्टिक्स ऊपर है क्वार्ट ये एक्स और नीचे फोर ही डिनोमिनेटर वाला पार्ट है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर स्टडी कर लिया चलो बताओ पांच स्टैंड है क्या सेपरेट हुई फोर है क्या क्या सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया हां तो बताओ क्या हुआ पहला त्रिभुज लगा ना पांच स्टैंड का आता है बाहर डीडीएक्स मिनी पांच स्टैंड बाहर आएगा यानी फोर का आ गया बाहर तो फोर यानी वन बाय फोर डीडीएक्स रिमेनिंग टर्म्स जो भी है हाँ चलो ठीक है अब क्या बताया था मैंने इस बुलडोजर के पीछे वाला एज इट इज पहले वो काम कर देना एज इट इज जैसा वैसा और अब इसके बारे में सोचना सोचो एक सेपरेट पांच स्टैंड है स्क्वायर रूट है सबका पावर है न्यूमरेटर वन है ग्रुप में नहीं है ग्रुप भी ज्यादा टर्म नहीं है ग्रुप सी जो दिखता है क्या दिख रहा है क्वार्ट क्वार्टिक्स का फॉर्मूला उठो मिनिंग्स ऑफ क्वार्टिक्स माइनस एक काम करो ये माइनस है ना तुम डायरेक्ट माइनस इधर लगा दो ना माइनस कितना हुआ हो गया ये बुलडोजर के पीछे वाले एज इट इज बताओ सेवन एक्स का कितना कर्ल आपको डायरेक्ट करना है फॉर्मूले के आंसर यानी ये जो प्रॉब्लम्स है ना छोटे छोटे इनका आंसर डायरेक्ट बताना है इसका मतलब हमें फॉर्मूले लर्न चाहिए साइन कॉस टैन कॉट चार फॉर्मूले हो गए दो कौन से हो गए सेक और कोसेक एक एक ले लेता हूँ इसका हाँ ले लो पावर पावर की वर्डिंग क्या है
पावर की वर्डिंग क्या है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर, एक कांस्टेंट पावर सभी टर्म का है क्या? नहीं लगती ना वर्डिंग में, पहला रूल लगता है ना एक सेपरेट कांस्टेंट, तो वो लगता है वो रूल कांस्टेंट पावर, डिड यू सी मीनिंग कांस्टेंट टू बार एक्सक्यूज को बोलो कितना हो गई, वेट में शामिल हो गया टू का लव सामने, बोलो एक्स क्यूब का कितना होगा, देखो क्या होता है एक्स क्यूब का, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डिड एक्स वन थ्री टू द सिक्स, क्या है आंसर, करेक्ट आंसर